नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं, आपका जो CET का जो एग्ज़ाम है या फिर KVS या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपके करंट GK से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है उसमें करंट GK से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और सभी के सभी जो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है एग्ज़ाम को लेकर ही यहाँ पर ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि तमिलनाडु के किस गांव को राज्य के पहले बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो ये इनमें से कौन सा है? नवीनपट्टी, किलावलाऊ, अरिटापट्टी या किदारी पट्टी? तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा वाला सही है, और इनमें जो सही है ये है ऑप्शन सी, अरिटापट्टी। तो ये जो हमारा यहाँ पर सी आंसर इसमें माना गया है, तो तमिलनाडु का गांव है अरिटापट्टी, तो इसको राज्य के पहले बायोडायवर्सिटी हेरिटेज के साइट के रूप में अधिसूचित हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन सा देश 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेज़बानी करेगा? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो स्पोर्ट्स जो है उनसे क्वेश्चन भी जरूर पूछ जाते हैं। तो कौन सा देश है जो 2023 में पहली ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेज़बानी हाल ही में करेगा? जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या फिर इटली? और इसमें जो हमारे यहाँ पर सही आंसर तो ये है ऑप्शन सी वाला, तो सिंगापुर जो है 2023 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है, तो भारत की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन, सुनीता नारायण, जादव पायेंग या फिर वंदना शिवा? और ये जो संयुक्त राष्ट्र का जो सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार हाल ही में इसे जो सम्मानित की गई है, ये है ऑप्शन ए वाली, पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किए गए हैं किसे? डॉक्टर ये जो प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार, रितेश अग्रवाल, कविता शुक्ला, तिलक मेहता या फिर रवि कुमार सागर? तो प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से जो हाल ही में सम्मानित किए गए हैं, और ये हैं इनमें से ऑप्शन डी वाले, रवि कुमार सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा शांति पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है, तो ये जो गांधी मंडेला फाउंडेशन पुरस्कार, इसके द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित की गई है, मलाला यूसुफ़ज़ई, दलाई लामा, कैलाश सत्यार्थी या फिर बराक ओबामा? तो गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा शांति पुरस्कार से, तो जो हाल ही में पुरस्कृत किए गए हैं ये है ऑप्शन बी वाले, दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंक है ये कितनी है? 60, 61, 58 या 50? तो ये जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक, और इनमें जो रैंक है ये 61वें नंबर की है, तो ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आई डेवलप आई 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में हाल ही में से सम्मानित किए गए हैं, तो आई डेवलप आई 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में शर्मिला टैगोर, नसीरुद्दीन शाह, चिरंजीवी या फिर नागार्जुन को? तो ये जो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में हाल ही में जो सम्मानित किए गए हैं, तो इनमें है ये ऑप्शन सी वाले, चिरंजीवी।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा एकीकृत, और क्या है? अग्निशक्ति अभ्यास, तो ये इसका जो नाम है ये भी आपके याद होना चाहिए, अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड राज्य में, तो कहाँ पर ये आयोजित किया गया है? और इनमें रहेगा ऑप्शन ए, तो कहाँ पर ये आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयुक्त के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है गणेश शंकर मिश्र, अजय पाल सिंह, आलोक अवस्थी या फिर अरुण गोयल को। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयुक्त के रूप में हाल ही में जो इनमें से नियुक्त किए गए हैं, तो ये हैं ऑप्शन डी वाले, अरुण गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से हाल ही में कौन बनी है? मनिका बत्रा, जिरिजा कुला, अंकिता दास या सुतीर्था मुखर्जी। तो एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो इनमें जो ये पहली भारतीय महिला जो बनी है एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में, तो इनका नाम है मनिका बत्रा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर यह रहेगा ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर हाल ही में कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर, अभिलाषा बराक, आरती सरीन, राजश्री रामसेतु या फिर लांस नायक मंजू। और ये जो पहली महिला स्काई डाइवर जो बनी है ये है इनमें ऑप्शन डी वाली, लांस नायक मंजू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरकार ने संजय मिश्रा का कार्यकाल एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, तो वह किस एजेंसी के डायरेक्टर के रूप में हाल ही में कार्य कर रहे हैं? सीबीआई, एनआईए, आईबी या फिर ईडी। तो ये जो संजय मिश्रा जो है, तो इनकी एजेंसी जो है इनमें ये है ऑप्शन डी वाली, तो ईडी के डायरेक्टर के रूप में ये हाल ही में काम कर रहे हैं, और इनका जो कार्यकाल है ये एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में हाल ही में इनमें से किन्हें नियुक्त किया गया है? संध्या देवनाथन, अरविंद कृष्णा, लीना नायर या निकेश अरोड़ा को। तो मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में हाल ही में जो इनमें से जो नियुक्त हुए हैं ये रहेंगे ऑप्शन ए वाले, संध्या देवनाथन। तो ये मेटा इंडिया के हाल ही में उपाध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य हाल ही में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य एनके सिंह, विशाल नारायण, अरविंद वीरमानी या दोरी सुब्बाराव को। तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य इनमें जो बने हैं यह है ऑप्शन सी वाले, अरविंद बिरमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हाल ही में से चुने गए हैं, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, सैम करन या जोस बटलर। तो आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो इनमें चुना गया है ये रहेंगे ऑप्शन सी वाले, सैम करन। तो आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप 2022 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है?
तो अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए G7, G20, आसियान या ब्रिक्स ने, और इनमें जो हमारा सही आंसर यह ऑप्शन बी वाला, तो G20 जो समूह है इसने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर का फंड हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैट मैरन वसेल का निर्माण करेगी? तो कौन सी शिपयार्ड कंपनी है जो भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कट मैरन वसेल का निर्माण करेगी? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स या हिंदुस्तान शिपयार्ड? तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटर मैन वेसेल का जो निर्माण करने वाली जो इनमें कंपनी है, तो यह है ऑप्शन बी वाली, कोचीन शिपयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हाल ही में हटा दिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है मलेशिया, जर्मनी, चीन या भारत को? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में से जिसे हटाया है, ये है ऑप्शन डी, भारत को। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम हाल ही में लागू किया है? तो ये राज्य इनमें कौन सा है जिसने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम हाल ही में लागू किया है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या ओडिशा? और इनमें जो है ये है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, जिसे अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत विस्तार अधिनियम हाल ही में लागू किया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? अरविंद कुमार शर्मा, सीवी आनंद बोस, अतानु चक्रवर्ती या नृपेंद्र मिश्रा? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में हाल ही में जो इनमें नियुक्त हुए हैं, ये है ऑप्शन बी, सीवी आनंद बोस। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल इन्हें हाल ही में बनाया गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्का पार्क ये किस राज्य में हाल ही में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला एक्का पार्क एडवर सिंह, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा या महाराष्ट्र में? तो भारत का पहला एक्का पार्क, और यह है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर है, यहाँ पर आपने इसमें बताना है। और इनमें जो हमारा यहाँ पर सही आंसर, तो यह ऑप्शन ए वाला, तो यह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, न्यूजीलैंड में आगामी T20I श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान इनमें से हाल ही में किन्हें बनाया गया है? तो न्यूजीलैंड में जो आगामी T20 श्रृंखला जो होगी, तो भारतीय टीम के कप्तान इनमें से कौन बने हैं? शिखर धवन, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या? और इनमें जो यहाँ पर भारतीय टीम के जो कप्तान बनाए गए हैं, ये हैं ऑप्शन डी, हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, जमशेद जी ईरानी जिनका 31 अक्टूबर 2022 को हाल ही में निधन हो गया,
किस कंपनी के ये पूर्व एमडी थे? टाटा स्टील, लार्सन एंड टर्बो, आईटीसी लिमिटेड या हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के? तो जमशेद जी ईरानी, जिनका 31 अक्टूबर 2022 को हाल ही में निधन हो गया है। तो ये किस कंपनी के पूर्व एमडी थे? और यह थे टाटा स्टील के। तो ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्मारक हाल ही में घोषित किया गया है? बलिदान स्तंभ, झारखंड युद्ध स्मारक, लश्कर युद्ध स्मारक या मानगढ़ धाम? तो राष्ट्रीय स्मारक जो इनमें हाल ही में घोषित किया गया है, तो यह है ऑप्शन डी वाले, मानगढ़ धाम, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, सातवें भारत जल सप्ताह की जो थीम है क्या है? और ये थीम भी जो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। तो सातवें भारत जल सप्ताह की थीम, जल सुरक्षा और सतत विकास, सतत विकास और इक्विटी, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, या फिर सतत विकास के लिए जल संरक्षण। तो सातवें भारत जल सप्ताह की थीम, और यहाँ पर जो इनमें थीम है, इनमें है ऑप्शन सी वाली, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर के रूप में हाल ही में किन्हें चुना गया है या किन्हें दिया गया है? तो साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर बट्टू शेरिंग, जिमी दोर्जिक, पेम दोर्जिक या डेंडुक शेरिंग को? तो गार्ड ऑफ ऑनर से जो हाल ही में सम्मानित किए गए हैं, ये है ऑप्शन ए वाले, बट्टू शेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार दो महिला अधिकारियों को आईजी रैंक में पदोन्नत किया गया है? तो किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार दो महिला अधिकारियों को आईजी रैंक में हाल ही में पदोन्नत किया गया है? GRPF, CISF, NSG या असम राइफल? और इनमें हमारा जो सी आंसर है, ये है ऑप्शन ए वाला, CRPF। तो इसे पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार दो महिला अधिकारियों को आईजी रैंक हाल ही में पदोन्नत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पद्म भूषण प्राप्तकर्ता इला भट्ट, जिनका 2 नवंबर 2022 को हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने किसकी स्थापना की थी? लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन की, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन की, हिंद मजदूर सभा की या भारतीय ट्रेड यूनियनों के केंद्र की? तो पद्म भूषण इनको जो सम्मान मिला हुआ था, इला भट्ट जिनका 2 नवंबर 2022 को निधन हो गया था, तो इनके द्वारा जो यहाँ पर स्थापना की गई थी, तो यह है ऑप्शन बी, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन JSW स्टील ने, जिंदर स्टील ने, ESL स्टील लिमिटेड ये, या फिर टाटा स्टील ने? तो भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट जो हाल ही में प्राप्त किया है, ये है ऑप्शन डी, टाटा स्टील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, टीपी राजीवन, जिनका 2 नवंबर को हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र में ये प्रसिद्ध थे? गायन, नृत्य, लेखन या फिर पेंटिंग में? तो टीपी राजीवन, जिनका 2 नंबर को हाल ही में निधन हो गया है, और इनका संबंध है ऑप्शन सी, लेखन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंस टर्म दक्षिण कोरिया और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंस टर्म
दक्षिण कोरिया और किस अन्य देश के बीच यह आयोजित किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान या फिर फ्रांस? और यहाँ पर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो क्या है कि रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंस स्टॉर्म दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इनके बीच आयोजित किया जाता है। तो ये कई बार अभ्यास भी जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो ये आपने नाम इनके नाम याद रखने हैं, ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म रक्षा अभ्यास है जो दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होता है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर एक 2020 बल्लेबाज हाल ही में बना है? तो कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जो दुनिया का नंबर एक 2020 बल्लेबाज हाल ही में बना है? विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा या KL राहुल? तो भारतीय क्रिकेटर है जो दुनिया का नंबर एक 2020 बल्लेबाज बना है, और इनमें जो रहेगा ये है ऑप्शन बी, सूर्य कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मेंगाटियन हाल ही में लॉन्च किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत या फिर चीन ने? तो ये देश कौन सा है जिसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल में मिंगटियन हाल ही में लॉन्च किया है, और इनमें जो रहेगा ये है ऑप्शन डी, तो जो चीन देश है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके करंट जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।